हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी देखिए, मॉर्निंग का समय है, सुबह के बज रहे हैं 11, और अभी मैं कुछ भी नहीं की हूँ। ऐसे घर जो है वो बिखरा हुआ है, बस मैं नहा ली हूँ और जो खाना है वो मेरा बन गया है। लंच और नाश्ता आज मैंने एक ही साथ बना दिया, अलग से कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि इनको जाना था बीएचयू रुपेश को लेके। उसका जो है रिपोर्ट आएगा, जांच हुआ है, उसका रिपोर्ट आएगा तो वो मैडम को दिखाना है, इसलिए वो जा रहे हैं रुपेश को लेके। और आज इतनी बारिश हो रही है ना कि बच्चे स्कूल तो वैसे आज मैं भेजती भी नहीं, क्योंकि इसको बीएचयू जाना था और छवि छोटी है तो अकेले वो जाती नहीं है, तो इसलिए बारिश होता या ना होता बच्चे नहीं जाते। लेकिन बारिश होने से ना पूरा मतलब माहौल ही चेंज हो गया, पूरा मौसम ही, ठंड जो है वो बढ़ गई है। और अच्छा तो लग रहा है ठंड, पर काम करने में हालत ख़राब हो जा रही है। पूरा हाथ देखिए, ठंडे पानी की वजह से पूरा हाथ जो है वो ख़राब हो गया है। मैंने कोई भी काम सुबह से नहीं किया है, सिर्फ ही हूँ, नहाई हूँ, बस मैंने नाश्ता बना दिया है, लंच बना दिया है। और जरा आप देखिए कि देखिए घर की हालत बिल्कुल बिखरी बिखरी। बस मैं सुबह से उठी हूँ, बस मैंने जल्दी से खाना वगैरह बना लिया, क्योंकि आज कोई लंच नहीं, कोई नाश्ता नहीं, डायरेक्ट खाना ही मैंने बना दिया है। और ये देखिए मैंने बना लिया है आलू की भुजिया, ये देखिए आलू की भुजिया है यहाँ पर। और यहाँ पे आलू टमाटर की रस्से वाली सब्जी है। यहाँ पर मैंने बना दिया है दाल, दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, रोटी भी बन के रेडी है, ये देखिए। और रोटी रख चली गई, और चावल जो है, और यहाँ देखिए हस्बैंड लाए थे पनीर की सब्जी, तो बच्चे अभी पनीर की सब्जी और आलू की भुजिया से नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये मैं निकाल दी हूँ धुलने के लिए, और ये जो कुत्ते की रोटी होती है ना वो रोटी है। आज इतनी ज़्यादा, एक मिनट, तो आज इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, और अभी करूँगी क्या दे। अच्छा, और लीजिए, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना कि मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि रजाई के अंदर बस बैठी रहूं और कुछ भी ना करूं, पर करना है। और सुबह मैंने जल्दी जल्दी खाना बना लिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी देखिए मैंने सब कुछ बना लिया था, बस चावल बनाना बाकी था, क्योंकि चावल जो है तुरंत बनाती हूँ, तुरंत सभी को खिला देती हूँ। तो अभी हस्बैंड नहाने चले गए थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं चावल से लगा देती हूँ, मतलब चढ़ा देती हूँ गैस पे, जब तक वो नहा के आएंगे तब तक चावल जो है वो बन जाएगा। तो अभी मैं चावल चुन चुकी हूँ और सारे चावल को मैंने कुकर में मतलब डाल दिया है, और इसे अच्छे से 2-3 बार मैं वाश करती हूँ, क्योंकि पता नहीं चावल के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ मतलब डाली जाती हैं, मुझे नहीं पता है। तो इसकी वजह से मैं 2-3 बार तो इसे वाश ही करती हूँ, जब तक कि पानी बिल्कुल क्लीन ना दिखे। तो अभी देखिए चावल भी धुल चुका है, और अभी मैंने उसे गैस पर चढ़ा दिया है। अब बस चावल ने एक सीटी दिया तो मैंने चावल को गैस बंद कर दिया। अब गैस को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये गैस ऐसा है ना कि जितनी भी गंदगी होती है बहुत जल्दी इस पर दिखने लगती है ब्लैक की वजह से, तो इसे मैं बराबर साफ़ करती रहती हूँ। थोड़ा भी गंदा हो जाता है तो मैं तुरंत मतलब डस्टर से हाथ फेर लेती हूँ कि गैस जो है वो साफ साफ दिखे। और सिंक में बर्तन भी काफ़ी हो गया था, सबने मतलब लंच कर लिया था, रुपेश ने भी कर लिया था और हस्बैंड ने भी कर लिया था, लंच बोलिए चाहे उसे नाश्ता बोलिए, वैसे भी 12:30 तो बज ही गया था तो लंच ही कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्तन भी, सारे बर्तन जो थे वो क्लीन हो गए थे। और एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाई थी, मैं काफ़ी मतलब हो गया है, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी बट मैं भूल जा रही थी। ये हस्बैंड लाए हैं इलेक्ट्रिकल केतली जिसमें पानी गर्म होता है, यकीन मानिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है, और जिसके पास होगा वो तो इसके फ़ायदे जानते होंगे, जिसके पास नहीं होगा उनको मैं बता देती हूँ कि इसके अंदर आप पानी मतलब कैसा भी ठंडा पानी हो डालिए, मात्र 1 मिनट भी नहीं लगता है, पानी एकदम हीट हो जाता है इसमें। अभी देखिए मैंने जस्ट चढ़ाया और बस 25 सेकंड हुआ था, सिर्फ 25 सेकंड में पानी जो है वो पीने लायक हो गया है। और अगर मैं इसे 1 मिनट रख देती ना तो पूरा पानी जो है वो खौल जाता, मैं अभी दिखा रही हूँ आपको, सिर्फ 25 सेकंड रखने का नतीजा आप देख सकते हो, पानी जो है वो गुनगुना से भी ज़्यादा गर्म है। तो अभी इस समय ठंड के मौसम में हम यही पीते हैं, और सबको लंच कराने के बाद जब
थोड़ी ठंड लगी रही थी तो मैंने सोचा कि सबने लंच कर ही लिया है तो मैं अपने लिए एक कप चाय बना लूं, क्योंकि ठंड का मौसम है, आप जानते हो चाय इस समय थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, तो इसीलिए मैंने अपने लिए चाय बनाया है, अपने लिए बनाया है और हस्बैंड को भी थोड़ा सा दे दूँगी। वैसे ही उन्होंने लंच कर लिया है, वो पियेंगे नहीं, बट मैं छान लेती हूँ, देखती हूँ पी लेंगे तो ठीक है, वरना मैं ही पी लूँगी। हो जाएगा 500 है तो 1000 हो जाएगा। हो गया? चाहिए। 1000 में फोन आता है क्या कहीं? तब क्या 3-0 लगा है? 3-0 नहीं लगना चाहिए, 4-0 लगेगा तो आएगा। एक और 50 लगा दूंगी तो 1500 होगा, तो 2000 होगा, तो एक और जीरो लग गया तो यहाँ पे 2 हो गया। एक और जीरो सुनिए, देखा क्या? देखा 1, 3, 4 जीरो लग गए, 2। ठीक है अजी, तैयारी कंप्लीट। यहाँ हस्बैंड भी तैयार हो गए, रुपेश भी रेडी है, और ये वाला जैकेट पहन के जाओगे तो फिर यहाँ ये वाला पहनो, पहन के रेडी हो जाओ तुम भी, फिर निकलो। और देखिए मैंने सोचा था कि ये लोग निकलेंगे 12:30 बजे, देखिए 12:30 बज गया है, 10 मिनट में बीएचयू के लिए निकलेंगे। छवि ऐड कर रही है ना वहाँ पे मोबाइल के लिए, 1500 जोड़ के 1000 करके बोल रही है कि 1000 में मोबाइल आ जाएगा, और बस 500 बढ़ा रही है, 1500 कर रही है, 2000 कर रही है, 2000 मोबाइल आ जाएगा उसका। ना उसके पास माइंड है, अपना माइंड जो है, अपना माइंड के हिसाब से वो कर रही है कि बच्चों के लिए इतने पैसे तो बहुत होते हैं वैसे, पर हमें पता होता है कि उतने में कुछ नहीं आता है। और रुपये देखिए रेडी हो गया है जाने के लिए, बैग आ गया, बैग ले लिया। 50 लगाने से कुछ नहीं होगा, 50 लगा के 1000 कर रही है। क्या चाहिए? 500 का नोट चाहिए इनको। या सब रेडी हो गए? तुम कहाँ जाओगी? तुम घर में रहो मेरे साथ, इन लोग को जाने दो। और बारिश के नाते देखिए अभी मौसम कुछ खुला है, निकलिए चलिए, अभी जो है ना मौसम कुछ सही हुआ है। और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बताइएगा आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो भी लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा होगा तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो अभी हस्बैंड चले गए बीएचयू, फिर उसके बाद डायरेक्ट मैं रात में मिल रही हूँ, और इतना ठंड पड़ रहा था ना तो वही हस्बैंड आग जला दिए थे, वही हम लोग सेक रहे थे, फिर किचन में जाना है मुझे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं रही हूं, और फिर बस सबको डिनर लगा दूंगी, पराठा सीख गया है। और तो ये देखिए फ्रेंड्स थाली लग गई हस्बैंड की, ये ऑमलेट है, खट्टी में मतलब खट्टी नमकीन चटनी है, इमली की चटनी है, और ये शेजवान चटनी है, सैलेड है, आलू का पराठा है, हरी मिर्च है। और अभी मैं पराठा बनाती जाऊंगी और डिनर कराती जाऊंगी, तो आइए हस्बैंड को दे देती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट फ्रेंड्स।